राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के बारे जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी चंबा डॉक्टर जालम सिंह भारद्वाज ने कहा कि जिला चंबा में 12 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिले की 5,87,000 की जनसंख्या को 609 टीमों के माध्यम से ब्लॉक स्तर तक स्क्रीनिंग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 2,88,660 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिसमें 1,393 संभावित टीबी के लक्षण वाले लोगों के बलगम की जाँच की जा चुकी है, जिनमें 9 मरीजों में टीबी की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि इसी अभियान के साथ लोगों को टीबी के बचाव और टीबी बचाव इलाज के बारे में भी लोगों को पंचायत स्तर तक जागरूक किया जा रहा है। जैसा कि आप सब को पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक हमें डेडलाइन दी हुई है कि 2025 तक भारत को जो है वो टीबी मुक्त करना है, और उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश एक एम्बिशियस प्लान उन्होंने रखा था कि हम हिमाचल को जो है टीबी मुक्त 2024 तक कर लेंगे। तो उसी दिशा में सारी जो एक्टिविटीज़ हैं आजकल ये चली हुई हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा में भी जैसे आपने देखा कि अभी ACF एक्टिव केस फाइंडिंग चला हुआ है, और उसके साथ साथ अभी 9 जो सितंबर को था वो ऑनरेबल प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने ये लॉन्च किया था प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, 9 सितंबर को ये लॉन्च किया। उसमें जैसे निक्षय मित्र जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, वो निक्षय मित्र में कोई भी जैसे कोई ऑफिसर है, कोई कॉरपोरेट सेक्टर है, या जैसे प्रोजेक्ट वगैरह चले हुए हमारे उसमें, तो जो हमारे आइडेंटिफाइड केसेस हैं, जो हमारे टीबी के जो डायग्नोज केसेस हैं, उनको ब्लॉक वाइज उनकी जो लिस्ट है वो हमने शेयर कर दी है सब ब्लॉक्स में, और जो जो भी इस उसमें मतलब उनको किसी भी तरह की हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प, चाहे डायग्नोस्टिक हेल्प है, चाहे उनका न्यूट्रिशन की हेल्प है, तो अगर कोई करना चाहे तो वो निक्षय मित्र एक पोर्टल है, पोर्टल पे अपने रजिस्ट्रेशन करके फिर उसके बाद फर्दर जो नियरेस्ट उसके जो हमारे टीबी के केसेज होंगे हम उनको अलॉट करेंगे, और वो फिर टाइम टू टाइम जैसे 6 मंथ्स का कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है टीबी का, तो उस केस में वो जो एक निक्षय मित्र को जो वो जो किट है न्यूट्रिशन किट वो पड़ती है 6,000 से 8,000 के बीच में। तो अगर एक बंदा एक पेशेंट को भी अडॉप्ट कर लेता है तो उसका वो 6 महीने का जो है वो उसको उसको एक न्यूट्रिशनल किट भी देंगे, और उसके साथ साथ अगर इनकेस अगर कभी उसको डायग्नोसिस के लिए इधर उधर भेजना पड़ता है, जैसे फार फ्लंग एरियाज़ हैं हमारे, जैसे भरमौर है या पांगी है, कहीं से पेशेंट जो है चंबा CV Net है उसके लिए आता है, तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो भी वो जो निक्षय मित्र है वो करेंगे। तो इस तरह हमने ये सरकार ने अभी ये अभियान चालू किया है, जिसकी कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग थी हमारे माननीय उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में हमारी हो चुकी है, और उसमें सारे ये प्रोजेक्ट्स के भी थे और बाकी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे सारे, तो सबको ये डायरेक्शंस चली गई हैं, और वो पोर्टल पे जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना अपना उसके बाद उनको अलॉटमेंट की जाएगी। अभी तक जो स्टेटस है हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा में, वो जो चंबा में जो हमारा डायग्नोज को हर्ट दो जो जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही डायग्नोज हुए हैं जिनका, वो 957 है, 957 केसेज जो हैं वो टीबी के हमारे पास एक्टिव केसेज हैं। और अगर करंट कोहर्ट की बात करें तो कुछ केसेस हमारे जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी डायग्नोज होते हैं, चंबा में सपोज मैक्सिमम आपने देखा होगा कि लोग कांगड़ा चले जाते हैं या पठानकोट चले जाते हैं, इस तरह अपने उनके माइग्रेटरी पॉपुलेशन भी है हमारी, तो वहाँ से कई बार वो डायग्नोज आते हैं होके आते हैं, तो वो जो टोटल केसेज हैं उनको मिला के 1155 केसेज जो हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा में एक्टिव हैं जो अभी हमारे ट्रीटमेंट पे हैं। और जो अभी तक 1155 में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ब्लॉक वाइज अगर देखा जाए तो हमारे 2 ब्लॉक्स जो हैं वो बड़े हैं, एक पुखरी ब्लॉक है जिसमें हमारा एक चंबा टाउन भी पुखरी ब्लॉक में आता है, तो इस वक्त हमारे जो पुखरी ब्लॉक में डायग्नोज किए हैं क्योंकि मेडिकल कॉलेज भी चंबा पुखरी ब्लॉक में है, तो 799 केसेज जो है चंबा यहाँ पुखरी ब्लॉक में डायग्नोज हुए हैं, और 79 जो केसेज हैं वो स्मोर ब्लॉक में डायग्नोज हुए हैं, भरमौर में 31 केसेस डायग्नोज हुए हैं, और इसी तरह चूड़ी में 3 इस मंथ में जो मतलब डायग्नोज हुए, तो टोटल मिला के
जो केसेस हैं हमारे 229 कुकरी ब्लॉक में हैं आज की डेट में एक्टिव केसेस। मोट में 193 केसेस हैं, भरमौर में 81 केसेस हैं और किलाड़ पांगी में भी 58 केसेस हैं, तीसा में 200 केसेस हैं और किहार में 175 केसेस हैं और चूड़ी में 220। तो इन सबको मिला के ये टोटल 1155 केसेस हैं जो कि अभी ट्रीटमेंट पे हैं और जिनको कि हम जो निक्षय मित्र मैंने अभी बताया उनको ब्लॉक वाइज अगर देखा जाए तो यही 200 पर ब्लॉक इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। और जो निक्षय मित्र पोर्टल पे एंट्री होंगी उसके अकॉर्डिंगली हम उनको अलॉट करेंगे और ये जो पेशेंट्स हैं इनको अडॉप्शन जो प्रक्रिया है वो चालू हो चुकी है और जल्दी वो अडॉप्ट कर लेंगे। पेन में टोटल अभी तक जो हमारी जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में जो डाटा मेरे पास अवेलेबल था तो 4 केसेस जो है अभी उन्होंने डायग्नोज किए इस ACF कैंपेन के दौरान। और ये जो ACF कैंपेन है हमारा जो टोटल पॉपुलेशन है हमारी 5,82,000 जो भी है वो सारी की सारी स्क्रीन होगी और उसमें भी हमारी स्क्रीनिंग अभी तक 50% स्क्रीनिंग हुई है, 2.5 लाख के करीब स्क्रीनिंग कर चुके हैं। तो जैसे जैसे एक स्क्रीनिंग कंप्लीट होगी तो हो सकता है जो हिडन केसेस हैं वो भी निकल के आएंगे।